वहाँ पे निंजा बॉय गलत समय पे आए तो सही, खिलाड़ी अभी तक सरवाइव कर रहा था बट शायद अब और ज्यादा देर के लिए थी। आईसीए सामने स्पॉट किया गया, व्हाट निंजा बॉय बेहतरीन तरीके से वो स्कोपिंग कर रहे, प्रेस दे रहे, दूसरी जगह देख रहे कर सके, उनको पता है जोन आ रहा है, प्लेयर को नॉक कर लो। तो बेहतरीन कास्टर स्पीरो से नहीं पूछी बट मैं देना जरूर, नॉट अंडर डॉग्स के जाना पड़ेगा क्योंकि उनको सर्कल के अंदर भी जाना है और वो जितना लेट करेंगे उतने ही चांसेस गेट कीपिंग के ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, इसलिए वो थोड़ा कुछ भी करते हुए प्लेयर को पा रहे। और क्या बेहतर मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके दूसरे खिलाड़ी कहां पर मौजूद है, व्हाट वो दूसरा खिलाड़ी हमें आगे जा सर्कल के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा था, बट चलिए कम से कम अब वो सर्कल के अंदर पहुंचते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ इनक्रेडिबल ईस्पोर्ट्स दो फिनिशर्स निकाले हैं, अभी भी सर्कल के बाहर वो जो फाइट है वो चलती हुई और अब रहने वाले हैं। और इनक्रेडिबल ईस्पोर्ट्स एंगल चेक करते हुए स्मोक करके वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके जस्ट सामने वो खिलाड़ी था। चलिए बढ़िया, वो टाइम पे क्राउच आया, टाइमिंग बेहतर बट अजय की एचपी बहुत ज्यादा कम। जी हां, जोन भी आ रहा है और यहां पे स्वाग ने स्वागत तो कर दिया स्वाग के साथ, रोज उनका रहने वाला है। अभी भी वो ट्रिगर डिसिप्लिन दिखा रहे, लेकिन अब जो डैमेज है ब्लू का वो आने वाला है। चलिए नॉक निकालने की कोशिश करने वाले, लेकिन एक भी नॉक उन्होंने निकाला नहीं, हील करने का टाइम मिलेगा नहीं एंड नॉट अंडर डॉग। बहुत देर बाद उन्होंने शुरू किया, चलिए अपनी जगह पे पहुंचे जाते हैं। नॉक हुए, तीन प्लेयर्स डाउन एंड चारों खत्म। ये क्या हो गया, वह बैठे बैठे हेडीज के प्रिंस चार खिलाड़ी को ले गए वहां पे। अगर अच्छे नेट जाएंगे तो बहुत वैल्यू मिल सकती है, बट जी हाँ सामने प्लेयर को स्पॉट किया, स्प्रे देने की कोशिश, कनेक्शन अभी तक वैसा आया नहीं। चलिए फाइनली कनेक्शन आया, एक प्लेयर को और डाउन करके वो अपने आप को प्रोन डाउन होते हुए नजर आए और दिक्कतें उनकी बड़ी जरूर। हालांकि अब जो सर्कल है वो टीम हेडेस से दूर गया, बट टीम हेडेस वो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेने वाले हैं। रन जाना है, नौ फिनिशर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और प्लेयर को स्पॉट किया, व्हीकल वहां पे बर्स्ट रोका, एक और खिलाड़ी को बाहर, नरूटो को वहां छोड़ गए। तो पाव के लोग अगर बाहर आएंगे तो शिकार वो जरूर बन जाएंगे एंड हे यू गो मिना करते हैं ग्रोजा से, नाउ दिस इज समथिंग न्यू। और साथ ही साथ अब व्हीकल रन ओवर करने की कोशिश रहने वाली, बट नरूटो उन्होंने थोड़ी देर कर दी, वहां पे उनको इंस्टेंटली टेक डाउन किया जाएगा, मुश्किलें बढ़ सकती है टीम हेड इज। चलिए फाइनली वो जो आपको देखने को मिल सकते हैं और उनके पास रहेंगे 18 अंक और जैसा नॉट ज्यादा बेहतर प्रदर्शन हमें उनका टॉप 5 प्लेयर्स के अंदर वो हमें पिछले मुकाबले के अंदर देखने को मिले। और वही आईएनसी की स्क्वाड लेट रोटेट करके वो आए हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि उतनी कुछ अतुलनीय प्रदर्शन उनको दिखाना पड़ेगा, आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन ये बेहतर ग्रेनेड एक के बदले दो, वहां पर वो चीज हमें देखने को मिलती है, अजय भी डाउन किए जाएंगे और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर ही पूरी की पूरी स्क्वाड का एलिमिनेशन। और थोड़ा लेट में उन्होंने वो ग्रेनेड देखा और शायद चिंटू का ये वाला ग्रेनेड आसानी से उनको टेक डाउन कर सकता है। वापस उनको एचपी डाउन की गई और इसी के साथ में ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जल्दी से जल्दी फाइट को निपटाना पड़ेगा और सर्कल के अंदर भी जाना है। डीमोटिवेट ईस्पोर्ट्स, ये बेहतर अप्रोच अपने लिए निकाला जा सकता है। गॉड स्पीड एक और ग्रेनेड के साथ, देखना ये कि वो क्या कमाल कर पाएंगे। एक ड्रॉप शॉट देने की कोशिश की गई बट गॉड स्पीड उससे पहले वहां से निकल गए, एचपी बहुत ज्यादा कम है, वो खिलाड़ी उनको भगाए जा रहा है, बट देखना ये है कि जो फिनिशर्स है वो कौन निकाल के जाएगा। चलिए हिटलर आए पहुंचने की, लेकिन इन सभी के बीच में एनिमी ईस्पोर्ट्स तीन खिलाड़ी उनके पास मौजूद है, सर्कल के अंदर भी उनकी एंट्री होती हुई। हेडीज के लिए दिक्कत खराब और हो सकता है क्योंकि ये पांचवे प्लेस पे वो एलिमिनेट हुए, उनके पास साबित हो सकता है बहुत ही कंफाइंड एरिया में वो जो प्लेयर्स है वो अब रह गए। प्रतीक की बात करें वो आगे आए, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सपोज किया। चलिए फाइनली एक खिलाड़ी उनके रहेंगे, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट टीम एनिमी के प्लेयर्स आप आखिर कर क्या रहे, वो ओपन में बिल्कुल वहां पर गए, इसलिए उनको टेकडाउन किया जा सकता है। और टीम विलेंस पूछा जाता है कि सडनली ऐसा क्या होता है। हमारे साथ जुड़ेंगे स्पीरो द हीरो आज के दिन का टीका, और देखना ये है, ये भी टीम सर्कल के अंदर पॉजिटिव है नहीं, एक तो टीम गिरना पड़ेगा। शी यूज्ड मी, वो सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे वो अच्छे खासे और फ्रैग्स निकाल सकते थे, वहां वो अपने खिलाड़ियों को खोते हुए दिखाई दे सके। सामने उन्होंने वो ग्रेनेड थ्रो किया, उसका कुछ खास फायदा हुआ भी नहीं है, बट सामने सैमसंग को जिन्होंने रिवाइव किया था, शी यूज्ड मी को उन्होंने बेटाई का अकेले बचे, जंप शॉट यहाँ पे आएगा, मुश्किल उनकी पड़ाएगा, बट डीबीएस उसके साथ वो शॉट देने की कोशिश अभी भी करते हुए मैं हैरान हूँ कि अभी तक नॉक नहीं हुए थे। बट फाइनली लव था कि हम जा रहे हैं आप आ जाइए, बट वहीं पे ऑगी उन्होंने पीछे से थर्ड पार्टी करा, पॉइंट का वो फायदा दिला पाएंगे अपनी टीम को। बट एरीज उनको भी समझना पड़ेगा कि वो सर्कल के बाहर लड़ाई ले रहे हैं, एरीज को भी डाउन किया गया, पिकाचू सर्कल का डैमेज बहुत ज्यादा, उनको भी ओपी देखना यह है कि वो कहां मौजूद है। चले जैसे इनके ऊपर दिखाई देंगे, गॉडस्पीड वर्सेस अनुज बढ़िया जाएगा क्योंकि जितने भी कंपाउंड है उनके पास, पूरा सर्कल उनके पास, बट मिनाटो उनको डाउन किया गया, पाप किलो की तरह सामने एक और खिलाड़ी मौजूद रहेगा, अंदर उन्होंने एक और खिलाड़ी को डाउन किया, लकी वहां पे नॉक किए गए, बट एक बड़ी गलती हो सकती थी हेडीज की तरफ, बट नहीं अर्नब
उन्होंने बैक टू बैक दो और नॉक्स निकाले। उनका एक प्लेयर है, क्या ये हीरोइक एफर्ट उनका काफी रहेगा? गोजो ही स्टिल देयर। गोजो क्या वो यहाँ पे क्लच करके दिखा सकते हैं? जी नहीं, प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आए थे। पहला मुकाबला था जहां उनके पास 10 प्लेसमेंट पॉइंट आए। यहां हाँ, हम देख लेंगे कि कौन सी वो टीम होने वाली है। सुविधा हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे दो कारूरत भी थी मेजी जाते हुए नजर आए। अरे तो करे क्या, सर्कल के अंदर उनका पहुंच पाना बहुत मुश्किल, और ग्लोबल ईस्पोर्ट्स वो भी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आएंगे अगर वो ईस्टर्न साइड से सर्कल में एंटर करने की कोशिश भी करेंगे। ढूंढ रहे थे कि वो खिलाड़ी गया कहां, खैर उनकी तलाश पूरी हुई नहीं। बट लेचा बॉय ही गोस डाउन, प्लेटोर के वो शिकार हो रहे हैं, एंड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स उनकी मुश्किलें बढ़ जरूर सकती है। बट शैडो यहां पे एक प्लेयर सर्वाइव करता हुआ, कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। ये नॉक अगर निकल गए शैडो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लॉर्ड स्प्रे करने की कोशिश, एक प्लेयर काफी दूर, शैडो को यहां पे नॉक करा जाएगा। डार्क लॉर्ड एंड नूब, अब आखिरी दो प्लेयर बचे हैं। वही अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्लेयर जाने की कोशिश कर रहे थे उनको नॉक जरूर किया गया है। तरीके से चारों तरफ प्ले करा जा रहा है डार्क लॉर्ड की तरफ से, वो बचना चाहते हैं, वो डेडिकेशन देखने को मिल रहा है। बट जोन के बहुत दूर नूब यहाँ पे जिगल करके स्प्रे करना चाहते थे बट वो स्प्रे कर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी उनको मिल जाएगा, अभी भी करना चाहना नहीं। व्हीकल लेकर के वहां पर एक खिलाड़ी आए थे, रन ओवर किए जाएंगे, कहीं और देख रहे थे वो, और इंस्टेंटली उनका भी सफाया। स्काउट करें और मिल भी गई है, ज़ेरफ भी वहां पे आ चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर सारे प्लेयर्स आ जाएंगे तो इस एरिया को अपना बना सकते हैं। वही अगर ओआरबी की बात की जाए, बहुत समय से हम इनको देख रहे हैं जोन के सेंटर में हैं और होल्ड कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। बट ज़ेरफ एक और प्लेयर को डाउन करेंगे, ना पाएंगे अपने फेवर में। उनको सपोर्ट करता जरूर बट अभी के लिए ओआरबी स्पोर्ट्स बैक, उनके पास एक अच्छा एरिया था। एंगल देखिए कितने बेहतर उन्होंने बना के रखे हैं, और अब बारी है फिनिशेस निकालने की। 9 टोटल फिनिशेस वॉल्यूम निकाल चुके हैं क्योंकि जरे वो आगे की तरफ आए, और पीछे आप देखिए इतने ओपन खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या उन्होंने देखा नहीं? चलिए फाइनली उन्होंने देखा। कल लिंच अभी भी वहां पे, दो टीमें हमारे पास, आपको हील अभी तक वो कर नहीं पाए। I think, but वहाँ पे दूसरी तरफ न्यूटन थे, उन्होंने स्टैंडिंग देखने को मिल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती, और साथ ही साथ अब अंकित और न्यूटन दोनों की जो पोजिशनिंग है वो भी कहीं ना कहीं रिवील्ड आउट रहने वाली है। ये देखिए न्यूटन डाउन किए जाएंगे, बचता है मात्र एक खिलाड़ी अंकित, और उनके पास भी बूस्टर्स मौजूद है, टीम जिनके पास अंक है इस वक्त 17। बट मीराबार का मुकाबला है तो इंपॉर्टेंट मुकाबले वही जरूरी, इसीलिए हमें दिखाई दे इतना ज्यादा भागम दौड़ी जो चल रही है, क्या वो संभाल पाएंगे अपनी टीम को? थोड़ा और आगे जाने की कोशिश, उतरते ही डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया अनुराग के द्वारा, बिल्कुल समाप्त। वो खिलाड़ी ऊपर से कूद गया जबकि उनको कोई भी खास इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, वो खिड़की से कूद कर आए। आप एनिमेशन में फंस सकते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। रॉयल पिछला मुकाबला उनके लिए बहुत खराब गया था, इस मुकाबले में अच्छा करने की कोशिश खिलाड़ी आपको एक ही गाड़ी के अंदर देखने को मिल रहे थे, उनको डाउन किया गया, और साथ ही साथ एश को भी स्पॉट किया गया। स्मोक का वो इस्तेमाल करेंगे बट आप प्रोन होकर भी मुकाबला है, और दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई टीम एलीट वॉरियर्स की। एक और बढ़िया ग्रेनेड, 20 डाउन किए जाएंगे, और अब बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी डेविल। I love you, स्क्वाड देखना ये कि अब वो चार फ्रैग्स किस तरीके से निकाल के जा सकते हैं। नेट गॉड उनको पहले डाउन किया गया था, डेविल आखिरी खिलाड़ी बचे और वो तीन खिलाड़ियों के बीच में जा फंसे, और इसी फायदा कि आप इतना शोर मचाइए कि आपके ऊपर कोई भी पुश करे ना, और शैडो का बेहतरीन प्ले जाएगा, वहां पे आइजन को डाउन किया जाएगा, और टीम काले उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। 7 टोटल फ्रैग ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के पास, क्लॉक के खिलाड़ी सामने मौजूद है, निंजा बॉय सामने रहेंगे। 1v1 का सिचुएशन, वो व्हीकल लेके एक और खिलाड़ी आते हुए शैडो, उन्होंने व्हीकल फीनिक्स के ऊपर चढ़ा कॉर्ड के साथ वो फाइट लेते हुए सदर्न साइड पे मल्टीपल टीम, लेकिन बहुत ज्यादा ओपन में वो एक खिलाड़ी आए एंड शैडो, चलिए फाइनली वो कनेक्शन आएगा, पॉइंट निकाला था, बट मॉब के आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, उनको भी निंजा एफएनटी की स्क्वाड है, उनको भी आप देख पाएंगे, और शायद इनके साथ उनको भी समाप्त किया जाएगा। वाइब आ रही है मेजी की ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, कम से कम 15 से 18 समाप्त हो गई, सर्कल का नॉट चलाया, स्टिल कोई भी टीम ऊपर गई नहीं, मिलने वाली नूब अभी भी तैयार है, वहां पे निंजा बॉय गलत समय पे आए तो सही, बढ़िया शंस्कल, दोनों खिलाड़ी डाउन किए गए, यही डाउन कर दिए गए थे, और अब लिंच उनके आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे नूब क्रूल, वो अकेला खिलाड़ी अभी तक सर्वाइव कर रहा था, बट शायद अब और ज्यादा देर के लिए नहीं, डार्क लॉर्ड है और मेरे ख्याल से प्रबल दावेदार इस मुकाबले में शिखर डिनर के लिए। टफ वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था, उसने नूब को देख लिया, खिलाड़ी बचे हुए देखना, ये मुझे लगा था टफ की स्क्वाड एलिमिनेट हो गई, बट अभी भी वो आखिरी खिलाड़ी उनका बचा रहेगा। बट नजर आएंगे एक और खिलाड़ी को, उन्होंने नॉक किया, आईसीए सामने स्पॉट किया गया, व्हाट निंजा बॉय नेस्टी किया गया, वापस उन्हीं के ऊपर डैमेज पड़ा,
बट एक और टीम जो बहुत समय से सर्कल के अंदर मौजूद थी, बट निंजा बॉय जा रहे हैं और काफी बढ़िया वो जो रिजल्ट है वो भी आता हुआ नजर आएगा। एक और बेहतरीन कनेक्शन, व्हाट, क्या बेहतरीन तरीके से वो स्कोपिंग कर रहे, प्रेस दे रहे, दूसरी जगह देख रहे, स्कोपिंग या शायद कनेक्शन बना सकता है बट नहीं, बहुत दूर रह गया वो, बट ब्लेड उनको नॉक किया जाएगा। निंजा बॉय थोड़ा डैमेज पड़ा बट एक और ग्रेड उसके हुआ। अभी भी सर्कल के अंदर जाने की जो जरूरत है वो रहने वाली है। लास्ट रोप शिकी बॉय इसको अभी भी सर्वाइव करते हुए, लेकिन इसी बीच निंजा बॉय इनको तो रोकना असंभव ही हो गया है। अपनी टीम से 12 प्लेसमेंट में बैठे रह गए और उसी के चलते उनके लेंगे विदा हीरो द हीरो हमारे साथ जो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की है, क्योंकि पिछले मुका शैडो को थोड़ा डैमेज पड़ा, अपने आप को हील करने की जरूरत है, बट नू थोड़ा और आगे निकलते हुए दिखाई देंगे, बट वहां पे एक और ग्लाइड मौजूद था, शैडो जूनियर के द्वारा डाउन किए जाएंगे, फिनिश करने की वो कोशिश कर रहे थे, बट निंजा बॉय उन्होंने जूनियर को टेक डाउन किया, बट निंजा बॉय इस तरीके से वो हार मारने नहीं वाले, बट ये क्या हुआ, व्हीकल से गिर के वजीर वहां पे डाउन कर दिए गए और देखते ही देखते जेनिथ के खिलाड़ी जहां वो फाइट जीत सकते थे बच चुके हैं, नेट का इस्तेमाल करेंगे। निंजा बॉय गाड़ी से छूटने की कोशिश करी उस प्लेयर को, वल्पिक्स किसी और के ऊपर ध्यान था, गाड़ी रुक आ जाता है जनता को जब आप आए लगे। वही निंजा बॉय की बात की जाए, काफी फ्रैग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी रुके नहीं, नूब टेक्स अनदर वन डाउन। EW के प्लेयर्स थोड़ा बैकफुट पे जरूर गए बट नूब जहां पे उतरे उनको तो वो भी वहां पे हो चुके हैं, बट एलीट वॉरियर्स एक एक करके प्लेयर्स आ रहे हैं, शैडो को भी यहां पे डाउन करा गया, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को रोका गया जरूर है। कभी एक लड़ाई डाउन होता हुआ निंजा बॉय उनको स्पॉट किया गया आतंक के द्वारा, पिछली बार आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, अभी भी स्पॉट करने की कोशिश करते हुए फोर का इस्तेमाल, बढ़िया 4x का इस्तेमाल उन्होंने नहीं निकाला और अपने पैरों को थोड़ा बचा के रखने की जरूरत है और उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं खिलाड़ी और मैं बात करने ही बड़े इसी के साथ इगोइस्ट एक और बढ़िया ग्रेनेड एक किया गया जो खिलाड़ी नॉक थे उनको रिवाइव किया गया है, बट ये क्या हुआ, कांसी वो आ रहे थे बट एक और खिलाड़ी अनइवन उनको भी डाउन किया गया, जो खिलाड़ी सबसे पहले नॉक हुए थे जो रिवाइव हुए वो अभी भी इस मुकाबले में बरकरार है, पर बाकी जो खिलाड़ी थे वो डाउन होते हुए नजर आएंगे। आर्यन उनके डेविल ने डेविल को डाउन किया और अब बारी आती है फिनिक्स की, देखना यह है कि वो जोकर को क्या वहां डैमेज दे पाएंगे, ऑलरेडी वो डैमेज है बट डेविल उन्होंने डाउन कर दिया फिनिक्स को, नहीं वो वार्डन थे कर सके, उनको पता है जोन आ रहा है, एक प्लेयर को नॉक करा, दूसरे प्लेयर को नॉक करा, इट्स अ 1v1, पूरा गेम चेंज कर दिया डेविल, कैन ही डू द इंपॉसिबल, जो ज्वाइन करेंगे राउंड 2 में क्लॉरेंगे एंड मॉफ की स्क्वाड वो 37